वो बचा तो ऐसे की बातों में कम होता था, बातों में कम होता था, दो करेंगे और साथ में शिलालेख जो लगा हुआ है उसका भी अनावरण करेंगे। मैं नारा देकर लगाऊंगा, आप बोलोगे मैं बोलूंगा बाबा साहेब, आप बोलोगे अमर है अमर है बाबा साहेब। धन्यवाद कि आप नगर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री बद्री प्रसाद जी मेंबर, बद्री प्रसाद जी मेंबर आप आए और हमारे नगर अध्यक्ष सम्मान्य श्री राम किशन के महिलाओं के लिए जो संविधान लागू किया डॉक्टर बाबा साहेब ने, कितनी ज्यादा आपको पता है कितनी परेशानियों को झेलने के बावजूद महिलाओं को कितना उन्होंने योगदान दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया और वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते थे कि महिलाएं आगे आए। अगर महिला समाज में सुरक्षित होगी, परिवार में सुरक्षित होगी, समाज में सुरक्षित होगी तभी तो आगे बढ़ेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक महिला ही महिला को नहीं समझ पाई कि महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहिए था। और अगर उस जमाने में बाबा डॉक्टर साहब के कहे अनुसार अगर महिलाएं महिलाओं को आगे बढ़ाती तो आज जितनी संख्या मंच पर पुरुषों की है उससे ज्यादा महिलाओं की होती। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम महिलाएं महिलाओं को नहीं समझ पाई कि आगे कैसे बढ़ाना। तो अभी भी समय है, जाग जाओ, आप अपनी बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ और तब देखिए आप इन कुर्सियों पे भी महिला ज्यादा बैठेंगी, ये मेरा मानना है। जैसे कि बाबा साहेब ने दृढ़ संकल्प लिया था शिक्षित रहे, तो मैं जानती हूँ कि महिलाएं ही महिलाओं को पढ़ाएंगी। ये अगर घर पे बैठी अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाएंगी तो वो शिक्षित होंगी और आगे जाके वो अपने परिवार को ज्यादा महत्व देंगी। संगठित रहे, कोई भी समाज हो, कोई भी समाज, किसी भी समाज को ले लीजिए आप, एक जाति ना जाके एकजुटता के ऊपर महत्व दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इस समाज के साथ अच्छे काम में आप चलते में रोड़ा उठना है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह ना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की आत्मा उनको किसी भी तरह शांत बैठने देगी और भगवान भी इस बात से बुरा मानेगा कि अच्छे काम में क्यों व्यवधान डाल रहे थे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में एक तरह से, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्त्री शिक्षा पे और स्त्रियों की समानता पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। पर आरडी महोदय आप लोगों को एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, आप लोगों ने इन सब लोगों के लिए तो कुर्सियां लगा दी और इन सबको आप नीचे बैठा रहे, ये कहां का न्याय आपने किया? आप लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए, ये हमारी माता बहने, आप लोगों को इनके लिए कुर्सियां रखनी चाहिए थी और पहले इनको कुर्सियों पर बैठाते, इन लोगों को नीचे बैठाते तो इनको क्या लगता, जब आपको पता लगता कि क्या अंदर से क्या भावना पैदा होती है। तो आइंदे में जो भी आयोजन है आप सब लोगों को हमने बराबर का दर्जा और बड़े बाबा साहब के बदले वाले हमारे हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। भैया एक मिनट मोबाइल थोड़ा सा, बिल्कुल इसी बदल में रहा है जिंदगी में कभी खुशी बंद होता है।